नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टरबाइन डीसीएच और टरबाइन कंट्रोल पैनल के बारे में। हम बात करेंगे कि जब हमारी टरबाइन शटडाउन पोजीशन में होती है, यानी कि हमारी टरबाइन बंद होती है, उस कंडीशन में हमारे टरबाइन डीसीएच पे और टरबाइन कंट्रोल पैनल पर कौन कौन से हमारे अलार्म आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझ सकते हैं सारी चीज़ों को, एक साथ देखते हैं। ये हमारा मेन ऑयल टैंक है, मेन ओवरव्यू है ऑयल टैंक का, जिसमें आप देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एओपी मोटर ही चल रही है। यही ध्यान देने वाली बात ये है कि एसीओपी कब चलती है, एओपी कब चलती है, एमओपी कब चलती है और ईओपी कब चलती है, किस किस कंडीशन में चलती है। मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो इस पर बनाए कि हमारे पूरे टर्बाइन का ऑयल सिस्टम क्या है। ये देखिए, ये आपके सामने लूब ऑयल कूलर है, जिसके आफ्टर का टेम्परेचर जो है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेन स्टीम प्रेशर, मेन स्टीम टेम्परेचर, कंट्रोल ऑयल प्रेशर और साथ ही साथ लूब ऑयल प्रेशर डाउन पोजीशन में है, जिसे हम रेड कह रहे हैं। ठीक है, एलपी ट्रिप एसओवी भी रेड है, ट्रिप एसवी भी रेड है और साथ ही साथ इसके सारे पैरामीटर भी आपको रेड दिख रहे हैं। ये हमारा ऑफ पोजीशन का कंडीशन है, जब हमारी टर्बाइन बंद है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में अगर हम बात करें तो इससे भी क्वेश्चंस पक्का पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं इस पर आपको वीडियो सेपरेटली बना रहा हूँ। आप ये वार्म अप बैंड देख रहे हैं, जब हमारा टरबाइन ट्रिप हो चुका है उस ड्यूरेशन में टरबाइन के सारे स्टीम रिलीज हो चुके हैं, ठंडी है टरबाइन, उस समय हम वार्म अप बैंड भी हमारा क्लोज हुआ दिख रहा है। इस पोजीशन में अगर हम बात करें तो हमारा एक्सट्रैक्शन टू एलपी हेडर की स्टीम जीरो है, एक्सट्रैक्शन टू एलपी हेडर के आफ्टर की स्टीम जीरो है, साथ ही साथ एसीडब्ल्यू भी बंद है, सीटी फैन भी बंद है और एमसीडब्ल्यू का प्रेशर भी बंद है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए वो है टर्बाइन के ऊपर आने वाले सभी अलार्म जो आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से आपको टर्बाइन अलार्म के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए वन बाय वन करके। साथ ही साथ मैं ये चाहूँगा कि आप इसको नोट कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, और यहीं से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि टरबाइन की रोलिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, देखिए ये सारे जितने आपको रेड कलर के फ्लैश दिख रहे हैं, ये हमारे टरबाइन के अलार्म्स हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं लूब ऑयल प्रेशर लो अलार्म, मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लूब ऑयल प्रेशर लो है, कंट्रोल ऑयल प्रेशर लो है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये वाटर लीकेज इंडिकेटर आप मेरे किसी भी शॉर्ट्स में, किसी भी टरबाइन के अल्टरनेटर के वीडियो में देख सकते हैं, ये क्या होता है वाटर लीकेज डिटेक्टर। और 86G रिले फॉल्ट क्या है, ये भी आप किसी भी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम और नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं मेन स्ट्रीम का प्रेशर जो है वो लो है, मेन स्ट्रीम का टेम्परेचर जो है वो लो है, ये सारे अलार्म आपके अलार्म सेक्शन के दिखाए जा रहे हैं। आपके अलग अलग बॉयलर के अलग अलग प्रेशर और पैरामीटर होंगे, उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप सारे पैरामीटर को एक बार देख लीजिएगा। मैं अपने 45 TPH की बॉयलर है तो मैं उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो भी पैरामीटर आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे हमारे पास है 24 volt DC सप्लाई फेल। ये DC सप्लाई फेल जो दिखा रहा है वो एक्साइटर के लिए है, और एक्साइटर के DC सप्लाई फेल है मतलब कि हमारी टरबाइन ट्रिप पोजीशन पे है। और साथ ही साथ देख लीजिए हमारा एलओपी का मतलब ये जो भी है, ये 1.5 केजी है, ये 1.5 केजी जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं कम है, इसलिए ये रेड पोजीशन पर दिखा रहा है। ठीक है, चलिए हमने तो DCS की बात कर ली, अब हम बात करेंगे टरबाइन कंट्रोल पैनल की। ये हमारा अलार्म सेक्शन है, ये मैं फोकस कर दे रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करिए कि हमारे अलार्म सेक्शन में कौन कौन से अलार्म आ रहे हैं। अगर आपने इसे नोट डाउन किया तो ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वैल्यू साबित होगी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लूब ऑयल प्रेशर लो है, कंट्रोल ऑयल प्रेशर लो है, स्टीम प्रेशर लो है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। ये 505 में एक टरबाइन का कंट्रोलर है जो कि उडवार्ड में एक है, आप सब लोग जानते होंगे, अलग अलग टरबाइन पर अलग अलग टरबाइन कंट्रोलर लगे रहते हैं, वो त्रिवेणी की है तो यहाँ पर हम 505 में एक उडवार्ड का लगा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो वायरिंग गियर की मोटर है वो जरूर चल रही होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखा के गई होगी। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी एक बेहतर इंजीनियर बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।